Good morning, students. Myself Yasmin from CMIS. Standard 3, subject Hindi grammar, part 12. अव्यय या अविकारी शब्द. मैम ने ये पार्ट आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी हैं. आज मैम अव्यय या अविकारी शब्द के प्रश्नोत्तर कराएंगे. प्रश्न 1. अव्यय से आप क्या समझते हैं? उत्तर. अव्यय ऐसे शब्द हैं जो हर स्थिति में एक जैसे रहते हैं. तथा लिंग, वचन, काल कारक और पुरुष के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता. तथा जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं. प्रश्न 2. अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर. अव्यय निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं. प्रश्न 3. क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं. प्रश्न 4. समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं?
उत्तर दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। नंबर टू, उचित अव्ययों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे धीरे धीरे, सामने, और हाय। स्कूल के डैश एक मैदान है। क्या होगा इसमें? स्कूल के सामने एक मैदान है। कछुआ चलता है। कैसे चलता है? कछुआ धीरे धीरे चलता है। डैश मेरा कुत्ता मर गया। हाय, मेरा कुत्ता मर गया। दादा डैश दादी खाना खा रहे थे। दादा और दादी खाना खा रहे थे। नंबर थ्री, नीचे लिखे वाक्यों में प्रयोग किए गए अव्यय शब्दों का प्रकार बताइए। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उस वाक्यों में आपको अव्यय शब्दों का प्रकार बताना है।
कि कौन से प्रकार में आता है ये वाक्य। माता पिता एवं गुरु का आदर करो। ये कौन से अव्ययी शब्दों का प्रकार है? समुच्च बोधक। घर के सामने एक बाग है। ये वाक्य कौन से शब्दों का प्रकार है? संबंध बोधक। राजू बिस्तर पर सो रहा था। ये वाक्य में कौन सी अव्यय शब्दों का प्रकार है? संबंध बोधक। वाह, कितना सुंदर पक्षी है। इस वाक्य में कौन से अव्ययी शब्दों का प्रकार है? विस्मयादि बोधक। कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में अव्यय शब्दों का प्रकार है? क्रिया विशेषण। नंबर 4। निम्नलिखित अव्ययों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ अव्यय शब्द दिए हैं, उनसे आपको वाक्य बनाना है। अव्यय शब्द प्रतिदिन, किंतु, हाय, शाबाश। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तथा उचित अव्ययों का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए एवं नीचे लिखे वाक्यों में प्रयोग किए गए अव्ययी शब्दों का प्रकार बताइए तथा निम्नलिखित अव्ययों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। थैंक यू।